नमस्कार, स्वागत है आपका जय जय न्यूज वन। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। हल्द्वानी में बीते दिन कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण की बैठक लेते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बताते इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी में ग्रीन बेल्ट डेवलप करेगा। इसके अलावा जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी अनुमति प्राधिकरण द्वारा दी गई है, उनमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनको रूप वाटर हार्वेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं, क्या उन्होंने इसका पालन किया है या नहीं, इसकी भी जांच की जाए। इसके अलावा भीमताल क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृतियों के सत्यापन के निर्देश भी इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा दिए गए हैं। चीज़ों पर निर्णय लिया है हमने कि हल्द्वानी में कुछ क्षेत्र में, एक लिमिटेड क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें उनका एक्सपेक्टेशन है, हम अच्छा प्लांटेशन कराएं। बहुत बड़े पेड़ों का हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्रीपर्स का, ऐसे क्रीपर्स हैं, ऐसी लताएं हैं जो साल भर रहती हैं, उसका प्लांटेशन हम करवाएंगे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होगा। सिमिलरली एक पायलट बेसिस पे बहुत ही अच्छा ओपन जिम किसी पार्क में एस्टैब्लिश हम लोग कराएंगे। नगर निगम के कुछ प्रस्ताव थे सड़कों के, सामुदायिक भवन के, वो हम लोगों ने पास किए हैं। एक इस बात पे निर्णय लिया है कि पूर्व में जो स्वीकृतियाँ प्राधिकरण ने दी हैं, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग की हो, चाहे बड़े कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की हो, इसमें मॉल वगैरह भी होते हैं, इसमें अनिवार्य शर्त होती है कि वो अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। इस बार आप जानते हैं पानी की दिक्कत जगह जगह हमको फेस करनी पड़ी, हल्द्वानी में भी, अन्य जगहों पर भी, पहाड़ों में भी ग्रुप हाउसिंग के नक्शे पास हुए हैं। तो अगली बार ये स्टेटस रिपोर्ट मांगा है कि कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें स्वीकृतियाँ दी गई थी, कितनों ने इसका अनुपालन किया, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करी है या नहीं करी है। यदि नहीं करी है तो फिर अगली बार उनको हम शोकॉज नोटिस भेजेंगे। एक भीमताल के केस में ये इशू आ रहा था कि हमने पिछली बार अनुमतियाँ दी थी कि आबादी क्षेत्र में, जहाँ पे आबादी हो गई हो, 60 स्क्वायर मीटर तक परमिशन दे दें, उसमें 37 परमिशंस मिली भी हैं, उसका एक बार सत्यापन कर लें, क्योंकि उसमें मंशा ये है कि हम नक्शा पास करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि उसका मिसयूज़ करे कोई। 60 का पास हुआ है तो 200 का बना ले, 400 का बना ले, तो उसका भी सत्यापन करने के यहाँ पर निर्देश। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।